ग्राउंड में भी तीन बचा बचा रुक जा बचा काय झालं बाजू लाओ अरे क्या हुआ नहीं नहीं आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा सुलक्षणा आज तेरा खेल खलास नहीं 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 केशव ये क्या कर रहे आप अरे अमोल भौजी से शादी होने वाली थी अपने ही छोटे भाई की पसंद के साथ आप बाजू लाओ निर्मिति बाजू केशव कोई नहीं बचा पाएगा केशव केशव थोड़ा दिल मुझे आप जैसा चिट्टा बबला नारी को बचाओ शर्मा रहे भाई अन्ना आप शर्म तो हम सबको आनी चाहिए केशव वहां सुलक्षणा का वस्त्र हरण कर रहे हैं चलिए केशव नारायण मेरा रिश्ता तू सुलक्षणा के साथ करने वाला था और तू ये शांति रख शिंदे अब तो मैं इसकी सास का भी वस्त्र हरण करने वाला हूँ अरे नहीं नहीं मेरी महेंद्र मुखी ने तेरा क्या बिगाड़ा है देखा देखा ओ अपहरणकारी ये देखो इन्होंने फिर से गलत नाम बोला ओ उर्मिला बहन ये आपकी महेंद्र मुखी नहीं है ये मेरी चंद्रमुखी है मंजे हम सबकी चंद्रमुखी है अन्ना साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ आपके पैर पड़ती हूँ अन्ना साहब पदर बिछा के विनती करती हूँ मुझे और मेरी सुन भाई को यहाँ से जाने दीजिए हाँ हाँ चलो चलो मैं तुमको घर पे लेके जाके साड़ी पहना देती हूँ वापस आलो आलो बता लो चल 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 अभिषेक अभिषेक ये तो सुलक्षणा थी ना है ना मेरी सुलक्षणा हे राम मेरी बहू लड़का निकली आपका बेटा निकली अन्ना साहब ए कौन है तू मेरे बेटे के पिता की होने वाली बहू या फिर मेरे बहू के ससुर का बेटा नहीं अन्ना साहब ये तो आपके समधी की समधन का बेटा निकली मेरी बहू लड़का निकली अन्ना साहब इसीलिए मेरे राघोबा ने आत्महत्या कर ली होगी मैं लुट गई मैं बर्बाद हो गई जिल्ले लाई मुझे इंसाफ चाहिए इतने सालों से मैं इसे अपनी बहू समझ के प्यार करती रही मेरे बेटे से इसकी शादी करवाई मैंने और इसने इसने मुझे धोखा दिया अन्ना से आपके बेटे अभिषेक ने मुझे धोखा दिया क्षमा करना चंद्रमुखी ये है ही नालायक लेकिन इतने सालों से ये दूसरी जिंदगी भी जी रहा था मुझे तो पता ही नहीं था मेरी कोई गलती नहीं है मुझे माफ कर दो चंद्रमुखी अरे कैसे माफ कर दूं अन्ना साहब कैसे माफ कर दूं मेरी बहू लड़का निकली अरे अरे रो मत चंद्रमुखी रो मत मैं तुम्हें नई बहू ला करके दूंगा बस अन्ना मेरे लिए भी अन्ना मेरे लिए भी ए, तू क्या बीच में घुस रहा है ए शिंदे कब तू सच बोल रही थी आई ये चंद्रमुखी ने काला जादू करके रखा है अन्ना पे नहीं अन्ना कड़क कसम है हाँ, आप अभी भी नहीं समझ रहे ये दोनों कौन है समझने का क्या क्या कौन है क्या मतलब ये मैं आपकी चंद्रमुखी अन्ना साहब
लपक छपक लपक छपक। साड़ी उतारू, बाल उतारू, करू पर्दाफाश, घर में घुस के फरेब करके किया सत्यानाश, तूने किया सत्यानाश। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, हे राम, मैं भी आदमी निकली, धोखा हुआ है मेरे साथ। आज का दिन ही खराब है, सब लोग आदमी निकलते हैं। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि चंद्रमुखी तू मेरी बेटी है, जबकि मैं बेटा थी, बेटा। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा, धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया मेरे बाबा ने मुझे, धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा, धोखा, इतना बड़ा धोखा कोई देता है, धोखा। महेंद्र भाऊ, पापा, पापा, सुना ना सर, सुना, मेरे बाबा ने मुझे ये भी नहीं बताया था कि मैं इसका पापा हूँ। ये तो आपने मुझे भी नहीं बताया कि आप इसके पापा है, चंद्रमुखी। ये उर्मिला बहन ने जब पहली बार महेंद्रमुखी बोला तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। ये इतना बड़ा विश्वासघात। नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार, आपन कौन? आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं नहीं पहचाना? नहीं। अब पहचानेंगे भी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं हम। आओ। हाँ? अभी मेरे से ज्यादा और कोई शांत हो सकता है क्या जोत्सना? क्यों किया ऐसा अभिषेक? हाँ महेंद्र भाऊ, वो ऐसा हुआ ना अन्ना साहब कि... बस बस अभी महेंद्र भाव की आवाज में बोलिए। मुझे मेरी असली आवाज मिल ही नहीं रही है अन्ना साहब, मैं क्या करूं? पापा एक मिनट। अन्ना, हमें लगा था कि हमारी जो बात है वो आप तक पहुंचा नहीं पाए, तो सुलक्षणा और चंद्रमुखी के जरिए ये बात पहुंचाए। हाँ। इनके जरिए आपको ये बताने की कोशिश करें कि हम गलत नहीं है। और ऐसा करने के लिए आपने एक और गलत कदम उठाया। पापा, अभिषेक, इसका मतलब आप लोगों ने मेरी किडनैपिंग करवाई थी ताकि मुझे बचा के दूसरों की नजरों में हीरो बन सके आप लोग। देख बेटा, सुलक्षणा और चंद्रमुखी की बात आप लोगों ने तो मान ही ली थी ना, और आप दोनों तो महेंद्र और अभिषेक को लेने बैंगलोर भी निकल पड़े थे, तो वो तो इन लोगों को पता नहीं था वो वाली बात, वरना। मम्मी प्लीज, आप कुछ भी मत बोलिए इसके आगे। वैसे भी अभी बोलने सुनने को कुछ बचा है क्या? थप्पड़ भी नहीं मारना चाहता मैं, क्योंकि थप्पड़ तो मेरे संस्कारों पे पड़ी है। चलो अब, राम राम, चल चल निकल। आहो, मैं एकदम शांत हूं। मुझे कुछ कहना है। आहो, लपक झपक पुरिया तले छुरिया चले खाने वाले के दिल पे, चंद्रमुखी ने उल्लू बनाया सुलक्षणा से मिलके, राजा सुलक्षणा से मिलके। आहो, सीखो, महेंद्रमुखी से कुछ सीखो। लपक झपक। Oh my God.
नमस्कार अन्ना साहब। नमस्कार, आपन कौन? आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं। नहीं पहचाना? नहीं। अब पहचानेंगे भी कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं हम। लपाक छपाक लपाक छपाक खाना परोसूं मैं। ज्योत्सना ताई, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप मुझे चुड़ैल कह रही हैं? अन्ना साहब, मेरे गांव की बस छूट गई तो मैंने सोचा कि अब गांव जाके क्या फायदा। वैसे भी मेरा दिल तो यहाँ था। बहुत चिंता में लग रहे हैं आप। मुझे किस बात की चिंता? मैं भी ऐसा ही कहती थी, लेकिन मन में बेटे की चिंता रहती थी। एक बार वो भी आया था मुझसे मिलने, ऐसे ही जैसे आज आपका अभिषेक आया है। मन में बहुत इच्छा हुई कि उसे रोक लूं, अपने पास बिठाऊं और कहूं, ए बाढ़, ये लड़ाई छोड़ते हैं ना, ना तू हारा ना मैं जीती, लेकिन मैं कह नहीं पाई और वो मुझसे दूर चला गया। आपका अभिषेक तो है ना यहाँ, मुझे संपूर्ण विश्वास है कि वो राह देख रहा होगा कि कब आप उसके पास जाएं और उसका कान पकड़कर खींच कर उसे घर वापस ले आए। अन्ना, अरे भाई, ए भारती, संभाल के, ये चंद्रमुखी की साड़ी है, भूल गई यहाँ पे वो। ए जोशना, ऐसा बोलते समय तुमने मेरे सामने क्यों देखा? अरे आपको तो कितनी बेचारी लगती थी वो, कितनी पसंद थी ना। मेरे बाबा हमेशा कहा करते थे, जो पति को पसंद हो उसे ही अपनी पसंद बना लेना चाहिए ज्योत्सना। ए भारती, आजा 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 आजा, क्या है तू? यहाँ मेरे साथ इतना बड़ा छल हो गया है, छल जिसे चंद्रमुखी समझा वो ग्रहणमुखी निकला। अब तो गायत्री और अन्ना को समझाने के लिए हमें बड़ा और तगड़ा आइडिया सोचना होगा, हो ना सासू भाई? क्यों ना हो ना सासू भाई, हो ना सासू भाई, क्या है? तो बराबर तो बोल रहा है महेंद्र, वो आप अभी भी आधी चंद्रमुखी बनकर बैठे हैं, तो वो क्या करेगा बेचारा? अरे सारी प्रॉब्लम की जड़ यही तो है सुलक्षणा, इतनी फालतू एक्टिंग। इसकी एक्टिंग देखकर ही केशव को शक हो गया था और इसके पीछे पड़ा। और बस अब महेंद्र, बस अब इस पूरे आइडिया में चंड और मुंड दोनों ही शामिल थे, ये मत भूलिए आप। और अभी अन्ना भाई तो कभी माफ करेंगे ही नहीं। ओह, उनकी बीवी ने भी उनका जीना हराम कर दिया है, ये इसकी मम्मी ने, अपना क्या नाम है वो, नहीं कोई बोलना मत, मुझे याद आएगा अभी, वो अच्छा नाम है बिचारी का, वो सुके भाई पिलुए ने। अब देखना तेरी मम्मी को ब्रांड न्यू नाम से बुलाएगी ये, देखना। एक तो ये मराठी लोग ऐसे अघरे अघरे नाम रखते हैं ना, मुझे याद नहीं रहता है वो। हाँ ज्योत्सना बेन, देखा? ज्योत्सना नहीं, जंखना। अच्छा नहीं पप्पा, ज्योत्सना ही है। वाह मम्मी, जो देखा तूने अभिषेक, देखा गलत टाइम पे सही नाम बोली है। डोबी बोल, सही टाइम पे कितना गलत बोला था मुझे, भूल गए आप? उसके तो गुणगान गाते थकते नहीं थे, मुझसे कहते थे नारी हो तो ऐसी ऐसा 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 ऐसा। अरे बोलिए ना, आगे बोलिए ना, ऐसा 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 में क्यों अटक गए? ऐसा ऐसा मैंने कभी बोला था? नारी हो तो ऐसा, ऐसा कभी बोला था मैंने? देखो तो, भूल गए ना आप? वो जब ऐसे मटकती, भारती तू करके दिखा ना, मस्त करती है तू, कर। हाँ कर, बोला ना तुझे? बराबर लपक झपक साबुन डालू ब्रश घुमाऊ प्यार से दू घाघरा भाई हाथ चलाऊ मैल निकालू
पुणे हो या आगरा, भाई भाई पुम पुम पक पुम पुम पक। ए बस 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 कर अभी बस कर। वो पुम पुम पक तो दूसरा वाला गाना था। वो पुम पुम पक पुम पुम पक झोपड़ी तू जग मग मैं हूँ तेरी चारपाई, चारपाई पे कर ले तू थोड़ी सी हाथापाई। पुम पुम पक वो विभा के पति का अश्लील गाना था। वो चंद्रमुखी का गाना तो बहुत अच्छा था। लपक झपक लपक झपक साबुन डालू ब्रश घुमाओ प्यार से धो घाघरा टपक 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 टपक। हाथ चलाओ मैं हटाऊ पुणे हो या आगरा, बेबे पुणे हो या आगरा, बेबे पुणे हो या आगरा। लपक झपक लपक। वाह 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 एकदम बराबर। लपक झपक मस्त कर रहे हैं आप। तो वो जब ऐसे लटक मटक करती थी, नहीं 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 करते थे आपके समधी महेंद्र भाऊ, जब ऐसे लटक मटक करते थे तब नहीं आपने बोला था जोत्सना नारी हो तो ऐसी चंद्रमुखी जैसी। हाँ हाँ लेकिन तभी मुझे पता नहीं था ना कि वो अप्रतिम नारी मुझ मुंडा नर निकलेगा। बरोबर है बरोबर है। तो बन जाओ मैं अब महेंद्रमुखी, जाऊं सीखू उनसे कुछ सीखू। बस 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 अभी जोचना ताने बिन्ने मारना बंद करो अभी, और जाके अपने बेटे को समझाओ कि उस गुजराती के साथ मिलके छल कपट करना बंद करे, वरना जीवन भर इस घर में आने नहीं दूंगा उसे। अभी ये चंद्रमुखी दीदी को बाय बाय बोलिए और महेंद्र अवस्था में वापस आइए। तुझे इस भेस की पड़ी है हाँ? तुझे क्या लगता है कपड़े बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी? बात करे छे। अरे वो अन्ना भाई और गायत्री प्रीमी? हमारी दिक्री आ गई। 100 साल जिएगी तू। रहने दीजिए। देखो गायत्री। देखा देखा मेरा सुलक्षणा की सखी बनकर मैंने बहुत देखा। मेरा राघोबा चला गया। हाय मेरा राघोबा। मुझे ना तभी समझ जाना चाहिए था कुछ तो गड़बड़ है ना। अरे गायत्री तेरे इस हस्बैंड को ना ठीक से सुलक्षणा बनना आया ही नहीं। इसकी चाल देखी थी तूने? बिल्कुल भी नजाकत नहीं। मैंने कितने वीडियोस दिखाए इसको, कितने वीडियोस दिखाए कि ये हिरनी देख हिरनी कैसे चलती है। महेंद्र बस बस हवे बस खत्म कर डाली अभी। गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती तुझसे कैसे हो गई अभिषेक? गलती हो गई। बैटरी निकालो। बैटरी सॉरी गायत्री बेटा। वो पापा सॉरी क्यों कह रहे? हमें तो थैंक यू कहना चाहिए गायत्री को। कम से कम सुलक्षणा को ही सही, लेकिन उसकी सही फीलिंग्स क्या है ये तो बताई गायत्री ने। कैसा इंसान है, आया और चला गया, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं उसने। मैं तो कहती हूँ तुम उसकी फोटो भी मत देखो। What the hell? ये क्या किया तुमने? तुम दोनों में प्यार ही नहीं है तो क्यों बेकार में? Shut up, सुलक्षणा। क्या प्यार नहीं है? बहुत प्यार करती मैं उसे और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। याद आ गया ना गायत्री? प्यार नहीं ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं था अभिषेक। वो सच तो तुम भी जानते थे और वो सच बुलवाने के लिए तुम लोगों ने इतना बड़ा नाटक किया। देख बेटा अब प्यार की खातिर ये गुस्सा खत्म कर दे। हाँ? ए अभिषेक अभिषेक कान पकड़। अच्छा दंडवत कान नहीं दंडवत कर। हाँ? अच्छा ये भी नहीं बेटा तो एक काम कर जमीन पर पूरा लेट जा और गायत्री के आसपास ऐसे प्रदक्षिणा करा। हाँ? प्रदक्षिणा फाइनल। मम्मी प्लीज आप इन सबसे बाहर रहे तो अच्छा है। हाँ और ये लीजिए गिफ्ट रखिए। पता नहीं था मुझे कि पापा के ये सारे गिफ्ट देने के पीछे की जो फीलिंग्स है वो उनके नाटक की तरह झूठी है। झूठे
गायत्री बेटा चल बेटा अभिषेक अभी मैं पोज ले ही लेती हूँ। हाँ ये क्या कर रही है आप? क्यों ये मोर टहुकेगा ना अभी तो मैं मोरनी बन के डांस कर लेती हूँ ना। टहुको टहुको क्या कर रहे हैं आप? सॉरी रानी रहे हम जी बाकरवड़ी पूरी दुनिया ही इसकी।